हेलो फ्रेंड्स, मैं लखन भाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन गे डी मॉपासेंट की दी अम्ब्रेला। अब देखिए, इससे पहले गे डी मॉपासेंट का जीवन परिचय जान लेते हैं। लेकिन पूरा नाम था हेनरी रेनी अल्बर्ट गे डी मॉपासेंट, जिनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1850 को, उनकी डेथ हुई 6 जुलाई 1893 को। बाद 19th सेंचुरी फ्रेंच ऑथर रिमेंबर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल हु डिपिक्टेड मैन वुमन लिव एंड डेस्टिनी एंड सोशल पोर्ट्रेट एंड डिसन एंड ओपन पेसिमिस्टिक टर्म्स। देखिए दोबारा देखिए कि मॉपासेंट वाज ए 19th सेंचुरी फ्रेंच ऑथर रिमेंबर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल वो डिपिक्टेड ह्यूमन लिव्स एंड डेस्टिनीज एंड सोशल फोर्सेज इन डिसन एंड ओपन पेसिमिस्टिक टर्म्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए इनका बायोडाटा पूरा ही, इनका जन्म का नाम है हेनरी रेनी अल्बर्ट गे डी मॉपासेंट है, ये पढ़ी लिया अपन ने। 5 अगस्त 1850 को इनका जन्म हुआ था, इनकी डेथ हुई 6 जुलाई 1893 को 42 साल की उम्र में। रेस्टिंग प्लेस है इनका मॉन्टपार्नेसी सीमेट्री। पहले नाम था इनका गे डी बारमोंट जोसेफ प्रोनियर। इनका ऑक्यूपेशन है नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोइट। जेनरी इनकी नेचुरलिज्म और रियलिज्म। ठीक है, अब देखिए देखिए मॉपासेंट वाज ए प्रोटे ऑफ गुस्टेव फ्लॉबर्ट एंड हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय इकोनॉमी ऑफ स्टाइल एंड एफिशिएंट सीमिंगली एफोर्टलेस डेन्यूमेंट्स। देखिए मॉपासेंट वाज ए प्रोटे एंड गुस्टेव फ्लॉबर्ट एंड हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय इकोनॉमी ऑफ स्टाइल एंड एफिशिएंट सीमिंगली एफोर्टलेस डेन्यूमेंट। मेनी आर सेड ड्यूरिंग द फ्रांको पर्शियन वार ऑफ द 1870s डिस्क्राइबिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड एसोनेट सिविलियंस हु कॉट अप इन इवेंट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल आर परमानेंटली चेंज्ड बाय देयर एक्सपीरियंस। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरी, 6 नॉवल्स, 3 ट्रेवल बुक, 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स इस पर पब्लिश्ड स्टोरी बोल्ड स्विफ्ट इज ऑफन कंसिडर्ड हिज मास्टर पीस। देखिए मैंने यर्स है ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्शियन बार ऑफ द 1870 डिस्क्राइब द फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड द इनोसेंट सिविलियन हु कॉट अप इन इवेंट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल आर परमानेंटली चेंज्ड ऑफ द बाय देयर एक्सपीरियंस। हीरो 300 शॉर्ट स्टोरी, 6 नॉवेल्स, 3 ट्रेवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्सेज। हीज फर्स्ट पब्लिश स्टोरी बोल्ड स्विफ्ट इज ऑफन कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस। ठीक है, आप देखिए देखिए द अम्ब्रेला की स्टोरी। देखिए दिस स्टोरी बिगिंस विथ ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर मैडम ओरियल। ही बी सी दैट सी ए लिटिल वुमेन ऑफ अबाउट 40, वेरी एक्टिव, रेदर हास्टी, रिंकल्ड, वेरी नीट एंड टाइडी। ठीक है, एंड विथ ए वेरी शॉर्ट टेम्पर इन एडिशन। सी इज एक्सट्रीमली थ्रिफ्टी विच मीन्स ही नेवर स्पेंड्स मनी एक्सपेंसिवली। एलोंग विथ हर शॉर्ट टेम्पर थ्रिफ्ट इज हर सेंट्रल कैरेक्टर ट्रेट। ठीक है, इन फैक्ट सी हेटेड स्पेंडिंग मनी एट ऑल, इवन दो सी एंड हर हस्बैंड आर नॉट पुअर, दे हैव नो चिल्ड्रन एंड ए वेरी रेस्पेक्टेबल इनकम। वन डे मॉन्स्यूर ओरियल
comes home and asks his wife to buy him a new umbrella. His old one is worn but and patched. His co-workers continually makes fun of him for it. She buys him the cheapest one she can, and his co-workers makes fun of him even more. So he comes home and angrily demands that she buy him a silk one and bring him the receipt so he knows she spent. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. And angry demands that she buy him a silk one and bring him the receipt so he knows she spent around 20 francs on it. She is very angry and tells him that it had better last him at last 5 years. अब देखिए the umbrella. The first evening after Mr. Oriole takes the umbrella to work, Ma'am Oriole looks at it and she is whole as if it were burned. She is furious and she is completely shocked with no idea where the burn hole might have come from. In fact, we never do learn what caused the hole. Now, देखिए next. After venting her rage, Ma'am Oriole patches the umbrella. Yet the very next day, Madam Oriole comes home and the umbrella is again covered in a tiny bird. She still has no idea where they are from. Madam Oriole is even more angry and refuses to buy him a new umbrella or to pay to have the old one recovered. ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्टोरी. अब देखिए एंड में क्या होता है. द कपल हैज ए फ्रेंड ओवर हु विटनेसेज दिस आर्ग्यूमेंट एंड ही टेल्स देम टू आस्क देयर फायर एश्योरेंस और इंश्योरेंस टू कवर इट. मैडम ओरियल एब्सोल्युटली रिफ्यूजेज टू गो टू सच लेंथ फॉर एन अम्ब्रेला. वाइल ही इज एट वर्क द नेक्स्ट डे, मैडम ओरियल गो टू द फायर इंश्योरेंस ऑफिस हरसेल्फ. सी एक्सट्रीम बी नर्वस बट दी थॉट ऑफ गेटिंग हर 18 francs बैक गिव्ज हर स्ट्रेंथ. सी आल्सो एड्स ए लार्ज बर्न टू द अम्ब्रेला सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट फायर वाज द कॉज. द फर्स्ट इंश्योरेंस मैन इज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज एट सच ए स्मॉल क्लेम. द कंपनी डज नॉट यूजली कवर स्मेल हाउस होल्ड आइटम्स. हाउएवर सी इवेंचुअली एग्री दैट सी कैन हैव इट recovered and bring them the bill and the insurance will pay for it. The final line of the short story truly stressed Madam Oriole's view on our money. She says to the umbrella store, I want this umbrella recovered in silk, good silk. You the very best, strongest you have. I do not mind what it cost. ठीक है, अब ये हो गई आपकी दी अम्ब्रेला कंप्लीट. आपको इसे लर्न करना है.